क्या लोग जिम में आपसे बहुत परेशान हैं? क्या लोग आपसे दूर भागते हैं? क्या लोग आपको स्पॉट देने से घबराते हैं? या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत परेशान है? या फिर आपके अंडरवेयर का जो पिछला हिस्सा है वो? तो गाइज, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। और गाइज, आज हम बात करेंगे प्रोटीन फैट्स के बारे में। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत बड़ा इशू है ये बॉडी बिल्डिंग में। जो लोग ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जो लोग हेल्दी डाइट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसके रीजंस होते हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं इसके, एंड व्हाट आर द फूड्स यू कैन ऐड इन योर डाइट, क्या सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपको इसकी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेक श्योर जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर क्लिक करें, एंड साथ ही साथ मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में। सो गाइस, चलिए जानते हैं कि क्या रीजंस होते हैं इसके और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। और सॉल्यूशंस और फूड्स में आपको सप्लीमेंटेशन वही बताऊंगा जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। सो गाइस, सबसे पहले बात आती है आपके प्रोटीन की। यस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बिकॉज प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो एक थर्मिक इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। और उस थर्मिक इफेक्ट का बेसिक मतलब ये है कि थोड़ी सी आपकी जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो उसमें बॉडी को कैलोरीज ज़्यादा लगती हैं बॉडी को ब्रेक करने के लिए प्रोटीन को। नाउ जब प्रोटीन ब्रेक होता है तो उसमें से आपका नाइट्रोजन रिलीज होता है, राइट, पॉजिटिव नाइट्रोजन। अब बेसिकली नाइट्रोजन आपका जो रिलीज होता है बॉडी में वो एज अ फैट, यू नो, बॉडी उसको रिलीज करती है। तो ये रीज़न है प्रोटीन जब आप डाइजेस्ट करते हैं तो उससे फैट का बनना। इसी के साथ बात आती है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं और उसमें आपके जो मिक्स्ड फाइबर्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से आ रहे हैं, वो अगर कम आ रहे हो तो तब भी ये इश्यू होता है। तो ध्यान दीजिए गाइस, जब भी आप कटिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का कि क्या आपका जो प्रोटीन इंटेक है बहुत ज़्यादा हाई है और फाइबर कम आ रहा है बॉडी में, तो इस वजह से भी आपको प्रोटीन फैट यानी कि जो बदबू है इसका, यू नो, इशू का सामना करना पड़ सकता है। गाइस, इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, टू सप्लीमेंट्स यू नीड फॉर कटिंग, तो ये आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की थी। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है गाइस, कि क्या आप अपने प्रोटीन पाउडर को स्मार्टली सेलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, बहुत सारे लोग लैक्टोस डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको प्रोटीन फैट्स की प्रॉब्लम होती है। अब अगर आप ऐसा ब्लेंड प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और आइसोलेट कम है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइसोलेट प्रोटीन में क्या होता है कि वो ज़्यादा रिफाइंड होता है, प्रोसेस्ड होता है, और उसमें लैक्टोस की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिन लोगों को लैक्टोस से प्रॉब्लम है वो इशू नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उन्हीं के बारे में बात करूँगा मैं। तो आप जो प्रोटीन पाउडर जब सेलेक्ट करने जाते हैं तो कोई भी ब्लेंड प्रोटीन अगर लेते भी हैं तो अच्छे ब्रांड का लीजिए। अच्छे ब्रांड्स में कौन कौन से ब्रांड आते हैं? ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, डायमेटाइज, यू नो, एक रूल वन करके भी आ रहा है इंडियन मार्केट में, अभी रिसेंटली जब मैंने मार्केट चेक किया था तो वो भी था। तो जैसे कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, दो बड़े प्रोडक्ट्स हैं, ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन या फिर डायमेटाइज, तो आप इन ब्रांड्स में से किसी को भी पिक कर सकते हैं, इनका, यू नो, आइसोलेट प्रोडक्ट ले सकते हैं या फिर इनका ब्लेंड प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये अच्छे क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोटीन है जो आपको इस तरह के इश्यूज नहीं देंगे, रादर देन यूजिंग अ चीप वन। जो इंडियन मार्केट में चीप इंडियन ब्रांड्स आ रहे हैं तो उनको यूज़ करना, यू नो, आपको अगेन ब्लोटिंग की प्रॉब्लम दे सकता है और गैस बिल्डअप होती है उससे, तो अगेन वही प्रोटीन फैट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। गाइस, जो मैंने आपको ये सप्लीमेंट्स बताए हैं ये इंडियन मार्केट में आपको 5000 से लेकर 6000 के बीच में मिल जाएंगे। गुड न्यूज़ ये है कि अभी इस वक्त मेरे ख्याल से सप्लीमेंट का जो प्राइस है इंडिया में थोड़ा कम हुआ है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई ऑल दीज प्रोटीन पाउडर्स। इसी के साथ एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करें तो दूध के साथ ना करें, डू नॉट ड्रिंक इट विद मिल्क। अगर दूध के ही साथ पीना है तो आलमंड मिल्क के साथ पी सकते हैं या फिर प्लेन वाटर के साथ आपका बेस्ट रहेगा, प्लेन वाटर एंड आइस क्यूब्स। और एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप अपने प्रोटीन शेक को लें तो बहुत जल्दी उसको गल्प करने की, बहुत जल्दी उसको पीने की कोशिश ना करें, स्लोली धीरे धीरे पिएं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज़्यादा एयर ले लेते हैं उस ड्रिंक के साथ तो वो जो एयर बबल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है आपके ब्लड में, तो जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको प्रोटीन पार्ट्स की, क्योंकि वो नाइट्रोजन बिल्ड करता है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गाइज यहाँ पे, प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स अगर आप अपने डेली फूड से नहीं ले रहे हैं या फिर किसी तरह का सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं प्रोबायोटिक्स से, तो भी आपको प्रोटीन फैट्स जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे जो
इस तरह से भी कह सकते हैं कि गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है जो हमारे गट में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके गट में डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो या बीमारियां जैसे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज दोनों होते हैं, और उनका जो परसेंटेज होता है वो बेसिकली गुड बैक्टीरियाज 85% एंड 15% आपके बैड बैक्टीरियाज। जब भी जो गुड बैक्टीरियाज का लेवल कम होता है आपके गट के अंदर, तो आपको इस तरह के इंडाइजेशन, डायरिया, यू नो, ऑल दीज, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं इन्फेंट्स में, बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उन लोगों में ज़्यादा होती है जो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिटनेस में हैं और ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो गुड बैक्टीरियाज कौन से बेसिकली होते हैं? आपका होता है लैक्टोबैसिलस एंड साथ में उसके बिफिडोबैक्टीरियम। तो ये दो गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं, इन्हीं के वेरिएशंस आपके फूड से आपको मिलते हैं और सप्लीमेंटेशन से भी। गाइज, ये जो प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरियाज की कमी होने के कारण भी आपको एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं इरिटेबल बोल सिंड्रोम, यानी कि IBS, जिसमें आपके गट में आपको इन्फ्लेमेशन होती है, प्रॉब्लम होती है, गट इश्यूज होते हैं, तो ये भी आपका प्रोबायोटिक की कमी से होता है। तो कौन कौन से फूड्स ले सकते हैं आप? तो गाइज, इंडियन मार्केट में जो सबसे चीपली अवेलेबल, जो इजीली अवेलेबल है, वो आपका योगर्ट है, यानी कि दही, ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं आप, गाय के दूध से बनी हुई या फिर बकरी के दूध से बनी हुई, और साथ ही साथ एक तरह की वेजिटेबल्स आते हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जैसे किमची, आई डोंट नो इफ इट्स अवेलेबल इन इंडिया, या फिर आप सॉरक्रॉट ले सकते हैं, ये भी एक तरह का फर्मेंटेड वेजिटेबल है, गोभी है आपकी, फर्मेंटेड गोभी, तो ये भी ले सकते हैं, वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं या फिर आप एक बहुत ही सीरियस हार्डकोर कटिंग डाइट में है, फैट लॉस डाइट में, जहाँ पे आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आपके मिक्स्ड फाइबर्स नहीं आ रहे हैं बॉडी में, या फिर आप डेयरी नहीं ले रहे हैं, दही नहीं ले रहे हैं, दूध नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट था, तो ऑब्वियसली वो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन मार्केट में आपको जो भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट मिलता है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है आपका डेली डे टू डे लाइफ के लिए, हाई प्रोटीन डाइट जब आप ले रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं इंडिया में, लेकिन ध्यान रखिए कि जो भी आप प्रोडक्ट लें वो ज़्यादा महंगा ना हो, और उसमें जो CFU यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, वो 20 billion से ऊपर की हो, यानी कि एक डोसेज में। तो मैं भी इस बार इंडिया गया था, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए और एक प्रोडक्ट मैं भी लेके आया था, ये प्रोबायोटिक का, वो का है ये, इट्स अ वेरी चीप प्रोडक्ट, तो मैंने ले लिया मार्केट से, अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं, एंड इट्स अराउंड 1000 rupees के आसपास है वो। तो किसी भी ब्रांड का प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसमें जो रिक्वायरमेंट है, डोसेज है, वो सही है, 20 billion से ऊपर हो उसके CFUs, जो मैंने आपको लैक्टोबैसिलस और जो बिफिडोबैक्टीरियम आपको मैंने बताया, ये दोनों इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, इसके वेरिएशंस। ये चीज़ें ध्यान रखनी है किसी भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट को परचेस करने से पहले, और ध्यान रखिए ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, 2000-3000 rupees वाला लेके कोई फायदा नहीं है। गाइस, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे है प्रोबायोटिक सप्लीमेंट के बारे में, क्यों ये जरूरी होता है, वो इसीलिए खासकर हम लोगों के लिए जो फैट लॉस, एक्सट्रीम फैट लॉस करते हैं, कटिंग करते हैं, जब बहुत सारे कार्ब्स हम एलिमिनेट कर देते हैं, डेयरी तक एलिमिनेट कर देते हैं, कोई किसी भी तरह का योगर्ट, किसी भी तरह की दूध नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर, डेयरी नहीं जा रही है, तो उस टाइम पे हमारे गट से जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं वो कम हो जाते हैं, और 100% आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन फैट्स तो बहुत बड़ा इशू है, तो उस टाइम पे प्रोबायोटिक एक तरह का चमत्कार टाइप का होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। चौथा और लास्ट पॉइंट आता है गाइस यहाँ पे, प्रोटीन इंटेक। अब प्रोटीन इंटेक को जब भी आप बढ़ाएं तो बहुत ही स्लोली बढ़ाएं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 200 ग्राम प्रोटीन है और आप मसल बिल्डिंग प्रोग्राम या फैट लॉस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो पहले दिन से ही आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप 200 ग्राम लेना शुरू कर दें, राइट? स्लोली प्रोग्रेसिव करना पड़ता है आपको, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है अपने प्रोटीन को, ताकि आपके जो गट है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो यूज टू हो पाए उसके। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है थोड़ा बॉडी के लिए टफ पड़ता है, ठीक है? तो इसी वजह से प्रोटीन को धीरे धीरे बढ़ाइए, स्टार्ट करिए 160 ग्राम से, देन
180, फिर देन 190 या 200, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाते हैं प्रोटीन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना पड़ता है लोगों को। और गाइज, अगर आप इस तरह से नहीं बढ़ाएंगे और डायरेक्टली सीधे पहले दिन से ही 200 ग्राम प्रोटीन हिट करने लग जाएंगे और बॉडी आपकी यूज टू नहीं है उतने ज़्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी हो सकता है और प्रोटीन फैट्स तो 100% हो गए होंगे। सो गाइज, ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोटीन फैट्स को लेके। अगर आपके किसी फ्रेंड को या आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इस तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, एंड डेफिनेटली लाइक करना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको ये वीडियोज़। एंड गाइज, टेक केयर। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।